हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो अपना मोशनल ईयर में पढ़े थे ना, उसमें उसमें एक टॉपिक हम लोग ऐड करते हैं जो कि होता है रेल प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस पार्ट को आज कवर करने वाले हैं और उसके बाद देखेंगे अगर लेक्चर लंबा नहीं हो रहा है तो रोटेटिंग रॉड का मोशनल ईयर में भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो रेल प्रॉब्लम में देखो क्या होता है ना कि आप रेल का जो पटरी, मतलब सिंपल पटरी वाला जो पार्ट है उसको आप देखे होंगे, तो ये ऐसा करके, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लो कि ऐसा दो पटरी है और इसके मैग्नेटिक फील्ड ना इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा कि अगर दो पटरी में मानो तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड के डायरेक्शन में है। ओके, और इस पटरी से जुड़ा हुआ एक रेजिस्टेंस है और इस रेल पे रखा हुआ है एक कंडक्टिंग रॉड जो कि स्लाइड कर सकता है। सरफेस जो है वो मान लो फ्रिक्शनलेस है, यहाँ का जो म्यू है दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसमें ना तो कोई बैटरी है ना तो कुछ और भी, कुछ भी नहीं, एक रेजिस्टेंस है, इन दोनों कंडक्टिंग रॉड को जोड़ रहा है और ये इन्फिनिटी तक है और ये मैग्नेटिक फील्ड भी उसके परपेंडिकुलर इन्फिनिटी तक है। तो इसको अगर हम टॉप से देखेंगे तो पटरी में को कुछ ऐसा दिखेगा, ये रे एंड इट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ये रॉड जो है इस पर ऐसा करके दिखेगा एंड दिस इज द रेजिस्टेंस आर। अब क्वेश्चन क्या है कि इसको अगर मैं एक स्पीड वी नॉट दे दूं तो ये रॉड जो है ये वी नॉट स्पीड अगर हम इसको दे दें जिसका लेंथ एल है, मान लो इसका लेंथ है एल, तो याद करो मोशनल ईएमएफ आएगा इसमें, उसके कारण करंट आएगा, फिर करंट इस रॉड में भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगा। तो हमको क्या बताना है ना कि फाइंड स्पीड ऑफ, मेरे को बताना है कि फाइंड स्पीड ऑफ रॉड, स्पीड ऑफ रॉड एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे मेरे को स्पीड बताना है। अगर मेरे को क्या पता है कि टी इक्वल्स टू जीरो पे, यहाँ पे जो टी इक्वल्स टू जीरो पे जो अपना स्पीड है वो जो है वो वी नॉट के बराबर है, तो एट टी इक्वल्स टू जीरो द स्पीड इज इक्वल्स टू वी नॉट एंड देन इट इज रिलीज। इसको वी नॉट देके हम छोड़ दिए इस फ्रिक्शनलेस रेल्स पे। देखो क्या होगा, कुछ देर के बाद या जब ये आगे जा रहा होगा तो क्या होगा, स्पीड तो इस कार्ट की तरफ है, तो एक यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये मान लो कुछ देर के बाद ये पहुंचा है यहाँ पे, ठीक है, और इट इज मूविंग विद सम स्पीड v नॉट, इट इज मूविंग विद सम स्पीड, सॉरी v नॉट तो पहले क्या, और v यहाँ पे, अब इसका लेंथ है l, स्पीड है v, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ b, तो मोशनल ईएमएफ आएगा इधर v क्रॉस b, तो अंगूठा ऊपर की तरफ है तो ये हायर पोटेंशियल ये लोअर, तो बैटरी जो बनेगा एक वर्चुअल बैटरी वो कैसा बनेगा, तो वो इस तरीके का कुछ बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो ईएमएफ होगा वो कितने के बराबर है, हमको पता है बी एल डी। ठीक है, तो इसमें ना देखो ये बैटरी अगर बना तो इस तरफ का सर्किट जो है वो कंप्लीट हुआ, इसके बैटरी बनते ही ये वाला सर्किट हुआ कंप्लीट, तो सर्किट कंप्लीट होगा तो उससे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, आप देखो बहुत ही आसान है आपका निकालना है इसमें करंट, तो करंट का अगर मैं फ्लो का डायरेक्शन निकालूं तो किधर हो जाएगा करंट, ये बैटरी है तो इधर से निकला और इधर की तरफ अपना करंट गया। ठीक है, ये है ओके, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक करंट आई गया, इस इंस्टेंट पे वो करंट कितना होगा, तो बैटरी है ई और रेजिस्टेंस है आर सिर्फ उधर, तो अपने को करंट तो बहुत आसानी से मिल जाएगा दैट दिस आई इज इक्वल्स टू बी एल बी डिवाइडेड बाई आर। अब यहां पे क्या देखना है कि यार ये वाला चीज पे ना मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, कौन सा, वो इक्वेशन आपको याद होगा कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो फोर्स का इक्वेशन क्या होता था, वो होता था आई इंटू एल क्रॉस बी, याद है, तो यहां से आ जाता हम लोग लिखते थे बी आई एल साइन थीटा, दिस इज द फोर्स एग्जर्टेड बाई द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर। अब देखो कि करंट इधर है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो थीटा तो 90 हो गया, करंट देखो जे कैप और मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी आई एल, तो जो फोर्स लग रहा होगा वो हो जाएगा बी आई एल साइन 90। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू बी इंटू आई इंटू एल। अच्छा आई कितने के बराबर है, तो I अपने को मिल गया है बी एल बी बाई आर, पुट कर दो तो B इंटू बी एल बी बाई आर दैट इज द करंट इंटू लेंथ L, ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई आर, ये फोर्स, तो अगर ये फोर्स है
तो आप एक चीज देख के बताओ कि अगर फोर्स ये है और इस वायर का मास अगर आपको शुरू में दे दूं मैं कि मास विल बी इक्वल टू एम, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एज होगा कि एफ बाई एम हो जाएगा, तो वो आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एम इंटू आर। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या कॉन्स्टेंट है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम इंटू आर। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस फोर्स की अगर मैं बात करूं ना तो वो लगा इधर, देखो आई इधर है और बी इधर है, तो आई क्रॉस बी तो इधर की तरफ हो जाएगा। तो फोर्स एक्चुअली में जो अपना लग रहा है ना वो पीछे की तरफ लगाएंगे फोर्स। तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स के कारण जो ए आएगा दैट इज नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज रिटार्डेशन। तो अपना जो रिटार्डेशन है ना, तो ए को हम लोग लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई एम इंटू आर। ठीक है, क्योंकि रिटार्डेशन है। अब हमको देखो ए जो है वो वेरिएबल, वो खुद वी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और वी जो है वो तो चेंज होगा क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डीवी बाई डीटी में। उससे पहले काम आसान करने के लिए तुम क्या करो कि कुछ कांस्टेंट तुमको दिख रहा है बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर, दिस इज द कांस्टेंट। तो आप इसको ऐसा अज्यूम कर लो कि ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू वी, ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू वी। अब आप इसको ए को यहाँ पे क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो डीवी बाई डीटी लिख के। तो इसको लिख दो डीवी बाई डीटी इज इक्वल टू माइनस के इंटू वी, तो याद आएगा डीवी बाई वी इज इक्वल टू माइनस के इंटू डीटी। इसका इंटीग्रेशन करो तो लिमिट जरा पुट कर दो, तो लिमिट क्या क्या हो जाएगा, ये जीरो पे ये वी नॉट था और किसी भी टी टाइम पे इसका स्पीड को वी मान लो, तो याद आएगा एल एन वी बाई वी नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू टी। तो यहां से आप v निकालो तो v आ जाएगा v नॉट e टू द पावर माइनस k इनटू t। और ये इसका ग्राफ कैसा बनेगा, k को आप पुट कर दो तो इट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आप देखे होंगे कि ये कैसा ग्राफ है, तो इट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो वेलोसिटी का अगर आपसे कोई ग्राफ पूछे इस केस में, तो वेलोसिटी ना धीरे-धीरे घटेगा एंड द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी विल बी यहां मैक्सिमम से ये ऐसा करके डिक्रीज होगा इस तरीके का। ठीक है, ये भी ये भी, तो ये अपना हो जाएगा v0। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा रेल प्रॉब्लम का।